तो अभी ये जो गाड़ी है ये खड्डे में गिर गई थी, ये देखो ट्रैफिक वाले लोगों ने बहुत मदद की। हाँ दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, और आज का ब्लॉग अब मैं कैसे बताऊँ, सीन ऐसा है कि आप लोग देख लो कि आज मैं हूँ अपने ओल्ड बाइक पे। ये जो है ये मेरी ओल्ड बाइक है, तो आज पता नहीं क्यों मेरा ऐसे ही मूड किया, मैंने बोला कि क्यों ना अपनी जो ओल्ड बाइक है उसको थोड़ा चलाया जाए। तो बस आज के ब्लॉग में आपको आज जो भी देखने मिलेगा आप लोग समझ जाओ क्या देखने को मिलेगा। वैसे मेरा बहुत मन था कि मैं हायाबुसा लेके आऊँ, लेकिन मैंने बोला कि थोड़ा ये जो ओल्ड बाइक है इसको थोड़ा यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत दिन हो गया था, इसको मैंने ध्यान ही नहीं दिया था, ना मैं इसको चला रहा था और ना ही मैं इसको बाहर निकाल रहा था। तो मैंने सोचा कि आज इसको थोड़ा ड्राइव करते हैं, और सीन ड्राइव मतलब राइड, वही राइड करते हैं। और सीन ऐसा है कि इसका जो बोलते हैं ना क्लच बोलते हैं, और ये सारी चीज़ें पूरा प्रॉपर मेंटेन नहीं है, क्योंकि ये बहुत दिनों 3 महीने तक बंद थी। लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा कि क्यों ना आज थोड़ा इसको निकालते हैं, और थोड़ा आप लोगों के लिए ब्लॉग भी बन जाएगा। और इतने दिन से मैं कार से घूम रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा मेरा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। और मैं किससे घूम रहा हूँ भाई, अपनी ओल्ड, और इसको मैं चला रहा हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है कि मेरे पुराने दिन एकदम ताज़ा हो जा रहे हैं, कि मतलब समझ रहे ना आप लोग। अरे भाई समझ सकते हो, देखो इसका कांच देखो कैसा हो गया अंदर आ रहे। इसके लिए मैं ना इसको बांध के रखा हूँ ताकि ये अंदर आए, और ये सिग्नल लग चुका है। ये देखो ये मोबाइल स्टैंड लेना है क्या किसी को, तो अभी सीन ऐसा है कि सिग्नल लगा हुआ है, और कितना 24 बाप रे बाप बहुत है, 70 सेकंड मतलब 70 सेकंड तक रुकना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, ये बीच में आप लोग भी और मेरी बात हो जाएगी। तो सीन ऐसा है कि मैं आप लोग को यही बता रहा था कि मेरा प्लान तो नहीं था कि मैं ये वाली बाइक निकालूं, लेकिन फिर बहुत दिनों से ऐसी रखी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको निकाल के चलाते हैं, और आप लोग से बातें भी हो जाएगी, और मेरा थोड़ा जो मैं कार चला रहा था थोड़ा मेरा मन भी डाइवर्ट हो जाएगा। और बाकी तो मैं यहाँ तक आया, तो इसकी स्पीड और वो सारी चीज़ें अभी तक मैंने चेक नहीं की है, और चल भी ये थोड़ा ठीक ठाक ही रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको चलाएंगे मचाएंगे, और जो भी आप लोग को दिखाने होता है दिखाते रहेंगे आप लोग को, ठीक है। अभी फ़िलहाल अगर आप लोग देख रहे हो तो इस समय मैं हूँ थाने में, थाने में ये कौन सा ब्रिज है, ये शायद यहाँ से अगर आप लोग देखोगे तो थाने स्टेशन का रोड निकलता है, शायद गोड़बंदर या कुछ तो ऐसे ही बोलते हैं, वहाँ पर हूँ मैं। अब यहाँ से घर की तरफ निकलना है मुझे, तो बस अब जैसी जर्नी होती है जो होता है मैं आप लोग को दिखाता रहता हूँ। अभी फ़िलहाल यहाँ का हाईवे तो सही है, और आगे के हाईवे के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। चलो जैसे ही स्टार्ट होता है वैसे निकलते हैं, वीडियो आप लोग देखते रहो। 1 देख रहे हो, और ये देखो मैंने क्या बांधा, ऐसे देसी जुगाड़ लगाना पड़ता है भाई। तो लेट्स गो, और अपने को राइट नहीं लेना, अपने को स्ट्रेट लेना है बॉस। मंतान लेट्स गो भाई, जब तक रहो जिंदगी में मचा हो। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं थोड़ा लॉन्ग राइड करूं, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना, और देखते हैं कौन सी बाइक लेके जाएंगे, हायाबुसा लेके जाएंगे या कौन सी बाइक लेके जाएंगे। वैसे मेरे को हायाबुसा से करना है थोड़ा लॉन्ग राइड, लेकिन बस यही है कि प्लान नहीं हो पाता, टाइम नहीं मिल पाता मेरे को, तो आज मैंने टाइम निकाला है। मैंने सोचा कि मोटो ब्लॉगिंग करता हूँ, और ये सारी अपडेट्स मैंने इंस्टाग्राम पे दे दी थी, तो जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहा है वो लोग जल्दी से कर लो इंस्टाग्राम पे फॉलो, क्योंकि आप लोगों को मालूम है इंस्टाग्राम पे सबसे पहले अपडेट मिलती है बॉस। और ये जो हवा लग रहा है ना भाई, ये हवा के लिए मैं तरस रहा था, मतलब तरस रहा था, मतलब कार से घूम रहा था, तो ये जो हवा ये जो फील है वो निकल नहीं पा रही थी। लेकिन आज इतने टाइम बाद जब मैं ये बाइक चला रहा हूँ, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बोलते ना आसमां पे हूँ मैं, आसमां पे। और ये जो स्ट्रेट रास्ता है, ये स्ट्रेट रास्ता जाता है कल्याण की तरफ, और अब ज़्यादा बातें नहीं करते, थोड़ा राइड इंजॉय करते हैं। और ये देखो बुलेट वाला, रेस लगाते क्या बुलेट वाले से, ऐसा क्या लगता है ये टक्कर दे पाएगी क्या आज भी इसको। ये मैंने दिवाली में ली थी 2018 में, लेकिन अभी भी मैं इसको भगा रहा था 60, मतलब जान है इसके अंदर, आज भी जान भरी हुई है। अच्छा वैसे बाकी ये वाला नज़ारा कैसा लग रहा है आप लोगों को, ये देखो चाचा नमस्ते, ये देखो ये नज़ारा देख रहे हो। और ये जो रास्ता है ये तो हम लोग सीधा कल्याण की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये जो आप लोग नज़ारा देख रहे हो ये थोड़ा अगर आप मुंब्रा की तरफ से जाओगे तो आप लोगों को वो रास्ता मिलता है,
लेकिन ऐसे नज़ारे बहुत कम मज़ा आता है। और बाकी राइडर लोग तो बहुत होते हैं भाई, मतलब तुम क्या राइड करोगे। बाकी जो शाइन पे, पल्सर पे, सीडी डॉन पे, तो ये सब पे जो है वो लोग ऐसा ड्राइव करते हैं ना, आप लोग यकीन नहीं करोगे। एकदम सुब, ये देखो, देख रहे हो, जूम 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 जूम, फुल ऑन रेस चल रहा है भाई, फुल ऑन रेस। लेकिन मजा कब आती है जब गाड़ी ट्रैफिक में होती है, तो जितने राइडर रहते हैं थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं उस समय, क्योंकि ट्रैफिक में तो बॉस, एक तो आप लोग को मालूम है मुंबई की ट्रैफिक तो एक बाइक ही है जो राहत दे सकती है, बाकी कार वार में तो बहुत टाइम चला जाता है। बाकी सीन ऐसा लग रहा है भाई, सीन के बारे में बात बताओ, मस्त ना। तो अभी मैं जा रहा हूँ इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालने, ये देखो इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालने जा रहा हूँ मैं। तो जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहा है वो कर लो, क्योंकि आप लोग को भी पता होना चाहिए कि सबसे पहले अपडेट्स इंस्टाग्राम पे आते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। और ये देख रहे हो आप ये जगह, मैं यहाँ पे मैं क्यों रुका हूँ, क्योंकि ये जो एरिया है ना, इतना एरिया, ये रेड लाइट एरिया बोला जाता है। रेड लाइट मतलब यहाँ पे अगर आप ये रास्ते से आप लोग आते हो तो आपको यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे खड़े दिखेंगे, मतलब समझ जाओ अभी आप लोग मैं क्या बताना चाहता हूँ, मतलब रेड लाइट एरिया है बस। बाकी यहाँ पे कभी फंसना नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत टाइम होता है कि लोगों के पर्स ले लिए जाते हैं, लोगों को लूट लिया जाता है यहाँ पे। देखो ये वो पोर्शन है ये जगह पे, तो प्लीज़ ऐसे जगह पे मत जाओ और फंसना नहीं, ठीक है। अभी मैं एक स्टोरी डालता हूँ और मैं इधर से निकलता हूँ, और आप लोग जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मैं आप लोग को मिलता हूँ आगे, चलो। तो अभी ये जो गाड़ी है ये खड्डे में गिर गई थी, ये देखो ट्रैफिक वाले लोगों ने बहुत मदद की, पूरी गाड़ी खड्डे में गिर गई थी, मतलब चल भी नहीं रही थी। तो ये जो पुलिस ऑफिसर और ट्रैफिक वाले हैं, ये लोग ने मिलकर उस गाड़ी को ऊपर निकाला, पूरी खड्डे में गिर गई थी। एक तो ये जो रोड है उसके अंदर इतने खड्डे हैं ना, मतलब अब क्या बोलूँ मैं, पूरा है, देखो देखो एक रोड ऐसा लग रहा है जैसे बिस्किट्स नहीं होते, ऐसे बिस्किट निकाल निकाल के बनाया गया ये देखो। अब इसके लिए क्या बोलना चाहिए बताओ। एक और किसी की नई गाड़ी होगी तो वो एक झटके में पुरानी हो जाएगी, जहाँ दो तीन बार चक्कर मारा ना तो वहाँ पुरानी होनी है। ये देखो ट्रैफिक, तो भाई साहब देखो ट्रैफिक, देखो खड्डे, खड्डे की वजह से ज़्यादा ट्रैफिक होती है। यही अगर रोड प्लेन होते ना तो ना गाड़ियाँ ख़राब होती, ना ट्रैफिक ज़्यादा लगती, सब एकदम ठीक ठाक से चले जाते। लेकिन खड्डे, ये देखो एक रोड ढंग का नहीं बना है, इसलिए बाइक हो कार हो सिर्फ हाईवे पे ही चलाने को अच्छा लगता है, और यहाँ पे तो नो डाउट, देख लो आप लोग खुद ही, एक रोड ढंग का नहीं है। तो चलो चलते हैं, और फिर जो दिखाने मिलता है आप लोग को वो दिखाते हैं, आप लोग वीडियो देखते रहो। तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ घर इतने मशक्कत के बाद, आखिरकार मैं घर पहुंच ही गया। तो अब गाड़ी को लगाते हैं और उसके बाद घर पे जाते हैं, एडिट करते हैं, और यहाँ पे डांडिया होने वाला है। ये देखो तैयारी देख रहे हो डांडिया की, मतलब डांडिया होने, अब गाड़ी ये देखो, ये जो है ना ये ब्लैक कवर में, ये अपनी हायाबूसा खड़ी है, देख रहे हो ना। तो आप लोग को मज़ा तो बहुत आया होगा, मज़ा आया कि नहीं, मज़ा तो आया ही होगा भाई लोग। ये देखो अपनी वैगन आर खड़ी है, दिख रहा है। तो बस अब ये मोटो व्लॉगिंग यहीं पे ख़त्म हुआ। हाँ, क्या रिलीफ मिल रहा है, ये देखो ये एक गाड़ी, ये अपनी हायाबूसा, ये अपनी वैगन आर खड़ी है, और एम जी एक्टर दिखाओ आपको किधर है, ये देखो एम जी एक्टर, इसको कवर डालना ही भूल गया मैं, उस दिन लेके गया था, तो डालते हैं अभी बाद में कवर, इसका कवर यहीं पर रखा होगा ना, देखो यहाँ पर रखा है, तो अभी आज तो नहीं लेकिन कल डालेंगे, एक बार इसके ऊपर पानी मार लूँगा कल, उसके बाद रख देंगे। तो अभी चलता हूँ अपने घर और फिर आप लोगों को मिलता हूँ, आप लोगों को मज़ा तो बहुत आया होगा,
मतलब मजा आना होता है भाई, मजा नहीं आएगा तो जिंदगी में सजा है फिर। और आप लोगों के लिए व्लॉगिंग करता हूँ ना भाई मैं, समझ रहे ना भाई, जल्दी से इधर दबाओ और फिर चलो ऊपर, मस्त मस्त मजा आएगी नहीं लेकिन वैसे आप लोग को। यार कभी कभार ना गाड़ी चला लेता हूँ मैं भी, कार चला चला के बोर हो गया था तो मैंने सोचा क्यों ना आज बाइक चलाया जाए और आप लोग से बातें किया जाए, और आप लोग से बातें भी नहीं हो पाती ना मेरी, ये बात है ना थोड़ा, इसके लिए मैंने सोचा आज मोटर व्लॉगिंग क्यों ना करते है ना। चलो फिर तो चलते हैं फिर अभी ऊपर घर पे, एडिट करते हैं और फिर आप लोग को मिलते हैं। तो बाय बाय, सी यू, लव यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू। देख रहे हो आप लोगों के लिए व्लॉग करने के लिए, तो बैग के अंदर सारा सामान था मेरे, सारा सामान ये बैग के अंदर था मेरे, मालूम है पूरा सेटअप इसके अंदर था, थक गया मैं भी बहुत। तो चलता हूँ, मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बाय, सी यू, लव यू। ये आदत तेरे को कहाँ से पड़ी क्या?